नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसको सुनकर कुछ लोग इलॉन मस्क को देश में इनवाइट करने लगे। असल में उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 60 लाख टन लिथियम मिला है। अब बात कुछ ऐसी है, लिथियम को आज के दिन व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और आपके स्मार्टफोन में लगी बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स की गाड़ियों में जहां जहां लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां वहां लिथियम की जरूरत पड़ रही है और आज के जमाने में ये एक बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया भर के लिथियम रिजर्व्स देखोगे किस देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो चिली देश नंबर 1 पे आता है 9.2 मिलियन टन रिजर्व्स के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 5.7 मिलियन टन। क्या इसका मतलब अब ये हुआ कि इंडिया में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं लिथियम के? और क्या ऐसा होने का मतलब है कि देश की अब लॉटरी लग चुकी है? जैसे गल्फ देश अमीर बने ऑयल के सहारे, क्या इंडिया अब अमीर बन सकता है लिथियम के सहारे? आज के इस वीडियो में आइए इन सारे सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ रिजर्व्स ऑफ लिथियम, अ रेयर मिनरल क्रूशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार मिला है। लिथियम बैटरीज इनटू बैगेज व्हिच गोज इनटू द होल्ड। लिथियम के भंडार का पता लगाया है। एक चीज पहले क्लियर कर लेते हैं कि आज के दिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिथियम एक बहुत वैल्यूएबल मेटल है। आपके सारे स्मार्टफोन्स में, जिस भी कंपनी का स्मार्टफोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके फोन में या तो लिथियम आयन बैटरी डली है या लिथियम पॉलीमर बैटरी डली है। इसके अलावा ऑलमोस्ट कोई भी इलेक्ट्रिक कार जो कि आज के दिन बनाई जा रही है, किसी भी कंपनी की हो, ऑलमोस्ट सब में लिथियम बैटरीज डली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी और बैटरीज जैसे लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम बैटरीज का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा है। वजन इनका 50-60% कम है और एफिशिएंसी भी कहीं ज्यादा है। यहां तक कि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज के लिए पावर ग्रिड्स में भी लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया ने ऑलमोस्ट 8,800 करोड़ की लिथियम बैटरीज और 170 करोड़ का लिथियम मेटल इंपोर्ट किया था बाकी देशों से साल 2020-21 में, और जो ग्लोबल लिथियम मार्केट है 2021 में उसकी टोटल वैल्यू थी 60,000 करोड़ की। ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि साल 2028 तक इसकी वैल्यू 1.3 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। जैसे जैसे लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे सोलर और विंड एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा कोल पावर प्लांट्स की जगह, वहां वहां हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं उन्हें इन्फर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी और जिनकी क्वालिटी के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम फॉर श्योर नहीं कह सकते कि कितना लिथियम रिजर्व यहाँ पर मौजूद है, उस लिथियम की क्वालिटी क्या होगी, क्या उसे इकोनॉमिकली माइन करना पॉसिबल होगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। कितना खर्चा आएगा, क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में अभी हम ज्यादा नहीं जानते। क्योंकि इस ग्राफ में देखिए इन्फर्ड रिसोर्सेज के ऊपर है इंडिकेटेड रिसोर्सेज, फिर मेजर्ड रिसोर्सेज, प्रूवन रिजर्व्स, प्रोबेबल रिजर्व्स। वाई एक्सिस पर है कि हमें जियोलॉजिकली कितना पता है एक जगह के बारे में, और एक्स एक्सिस पर है बाकी और फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिकली पॉसिबल होगा या नहीं माइन करना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद इसे G3 कैटेगरी ऑफ इनिशियल असेसमेंट में डाला है। उन्होंने खुद कहा है कि अभी और रिसर्च और स्टडीज करने की जरूरत है इसे G1 या G2 कैटेगरी तक पहुंचाने के लिए। इन ऊपर की कैटेगरीज में जाकर उन्हें माइनेबल रिजर्व्स कहा जा सकता है, और उसके बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितना टन लिथियम मौजूद है, कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है। और इस स्टेज तक पहुंचने में दोस्तों मिनिमम 5-7 साल का समय लग सकता है जब तक हम इन्हें कमर्शियली एक्सप्लॉइट करें। 2 साल पहले 2021 में सिमिलर सी खबर आई थी कर्नाटका से, जब सरकार ने कहा उन्हें 1600 टन लिथियम मिला है। वो वाला लिथियम भी दोस्तों इन्फर्ड कैटेगरी का ही था, लेकिन अभी वाली खबर में लिथियम की संख्या कई गुना ज्यादा है तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि लिथियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स साउथ अमेरिका के चिली देश में मौजूद हैं 9.2 मिलियन टन्स। सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 5.7 मिलियन टन्स। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडिया सेकंड नंबर पर आ गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन्फर्ड रिसोर्स की कैटेगरी में रिजर्व पाया गया है। अगर इस लॉजिक से कंपेयर किया जाए तो बोलीविया देश में दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स मिलेंगे इन्फर्ड रिसोर्स की कैटेगरी में, 21 मिलियन टन्स। दुनिया भर में नोन सप्लाई है एट 89 मिलियन टन्स। फिर भी इसका मतलब हुआ कि इंडिया में दुनिया का टोटल 5.5% लिथियम रिजर्व मौजूद है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। लिथियम इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो आधे से ज्यादा ग्लोबल लिथियम रिजर्व सिर्फ 3 साउथ अमेरिकन देशों में है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया।
दूसरी तरफ चाइना नंबर वन प्लेयर है यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस करने में। दुनिया भर में बनने वाली सारी लिथियम बैटरीज में से 75% से ज्यादा सिर्फ चाइना में बनती हैं। और एक रीसेंट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के स्टडी के अकॉर्डिंग चाइना 58% लिथियम प्रोसेसिंग को ग्लोबली कंट्रोल करता है। सेकेंड नंबर पर है चिली एट 29%, थर्ड पे अर्जेंटीना 10%। लिथियम एक्सट्रैक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया 52% शेयर है सबसे ज्यादा, फिर चिली 22% और फिर चाइना एट 13%। इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि चाइना में ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी प्रोसेसिंग लिथियम की चाइना में सबसे ज्यादा करी जाती है। इतना फोकस किया उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने में वहां पर। अब लिथियम माइनिंग करते वक्त ऑब्वियसली एक भारी एनवायरमेंटल कॉस्ट पड़ती है। और चीजों की माइनिंग की तरह लिथियम माइनिंग में भी पानी का, सॉइल का और एयर का पोल्यूशन होता है। जो लिथियम को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, ये बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। बहुत सारा पानी इसमें वेस्ट होता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 2.2 मिलियन लीटर्स पानी लगता है। ये उतना पानी है जितना एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में होता है। दूसरा, लिथियम की एक्सट्रैक्शन हार्ड पत्थरों से और अंडरग्राउंड ब्राइन रिजर्वॉयर से अक्सर करी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, क्या लिथियम माइनिंग से हमें जोशी मठ जैसे इंसिडेंट्स और ज्यादा देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, अगर सरकार इसी तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को नजरअंदाज कर दे तो। तीसरा, माइनिंग से होने वाली एयर और सॉइल पोल्यूशन का क्या? ये बात सच है कि लिथियम का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में, इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने में, जिससे ओवरऑल कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माइनिंग से निकलने वाले कार्बन एमिशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता और बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा हमें। देखना पड़ेगा कि किससे नुकसान ज्यादा हो रहा है और क्या करना बेटर ऑप्शन है। अर्जेंटीना और बोलीविया जैसे देशों में इसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। लेकिन एक सेकेंड के लिए अब हम मान लेते हैं कि जो 60 लाख टन रिजर्व मिले हैं वो प्रूवन रिजर्व हैं, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल होगा इन्हें माइन करना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका ज्यादा नहीं होगा, उसे अकाउंट में लिया जा रहा है, तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर और जियोपॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। क्योंकि ये सारी अजम्पशंस लेकर चले तो इंडिया की सिचुएशन गल्फ कंट्रीज की सिचुएशन से काफी सिमिलर हो जाएगी, जिनकी किस्मत पलट गई थी जब उन्हें तेल मिला। इतिहास में देखना यह बड़ा दिलचस्प है कि अलग अलग देशों ने किस तरीके से रिएक्ट किया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जब भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज मिले किसी देश में। इसके कई पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। गल्फ कंट्रीज के अलावा नॉर्वे देश जहाँ पे ऑयल पाया गया, ऑस्ट्रेलिया, छोटे छोटे बोट्सवाना और रवांडा जैसे देश जिनकी हालत चमकी, लेकिन साथ ही साथ इसके उल्टे एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। ऐसे देश जिनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज एक शराब बन गए और देश को नुकसान उठाना पड़ा उनकी वजह से, जैसे कि कॉन्गो, बोलीविया और नेदरलैंड्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेदरलैंड्स देश का केस इतना फेमस है कि इसके अराउंड पूरे इस फिनोमेना का नाम भी रखा गया है, डच डिजीज। क्या है ये डच डिजीज? इसे एक रिसोर्स कर्स भी कह सकते हो। एक ऐसी बीमारी जो उन देशों में देखने को मिलती है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर तरीके से पाए जाते हैं। देखकर लगता है कि उस देश को अमीर बन जाना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, लेकिन उल्टा ही होता है। साल 1977 में इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने इस डच डिजीज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था नेदरलैंड्स का केस समझाते हुए। एक्चुअली हुआ क्या था कि साल 1959 में नेदरलैंड्स में भारी गैस रिजर्व्स पाए गए थे। इसके चलते इन्होंने नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। लेकिन करीब 10 साल बाद जाके 1970 से 77 का जो पीरियड था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% तक बढ़ गया, जो कि पहले 1% के अराउंड हुआ करता था। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कम हो गए। इकोनॉमिस्ट बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो रहा है, ये जो गैस पाई गई है ये कोई खजाना है या फिर कोई शराब है? कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं ये खजाना ही शराब है? इसका इम्पैक्ट दो तरीकों से देखने को मिलता है। पहला, जब किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं तो उस नेचुरल रिसोर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी देशों में। ऐसा करने का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके देश में। एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होंगे उस नेचुरल रिसोर्सेज के, बाकी लोग आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इसका मतलब आपकी करेंसी का प्राइस अप्रिशिएट होगा। मतलब नेदरलैंड्स के केस में कह सकते हो कि उनकी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। अब करेंसी ज्यादा स्ट्रांग बनना एक अच्छी चीज कही जा सकती है, लेकिन जैसा मैंने $1 = 1 rupee वाले वीडियो में समझाया था, करेंसी के एक्सचेंज रेट का ऊपर या नीचे होना 100% सही या 100% गलत नहीं कहा जा सकता।
कुछ इंडस्ट्रीज को इससे फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो जो लोग अपना बाकी सामान एक्सपोर्ट करने लग रहे हैं वो करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश से जो सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है उसका दाम बढ़ जाएगा और इसका इम्पैक्ट देश के बाकी और सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। तो नेदरलैंड्स का अगर एग्जाम्पल लें, गैस एक्सपोर्ट्स इनके बड़े अच्छे हुए, लेकिन बाकी जो और इंडस्ट्रीज थी देश में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, कुछ सामान बनाकर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना, वो और महंगा होने लग गया। ये बाकी इंडस्ट्रीज अपने बिजनेसेस सस्टेन नहीं कर पाई और इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है डच डिजीज का लेबर मार्केट पर। जब एक देश में ऑयल की डिस्कवरी हुई है या लिथियम की डिस्कवरी हुई है तो माइनिंग करने के लिए लेबर की जरूरत होगी, तो उस सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगी। बाकी और सेक्टर से शिफ्ट होकर लोग इस एक सेक्टर में आना चाहेंगे और इसका बाकी और सेक्टर्स पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, डच डिजीज का मतलब है अगर किसी देश में एक नेचुरल रिसोर्स भरपूर तरीके से पाया गया तो उस देश के बाकी और जो सेक्टर्स हैं अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे उस नेचुरल रिसोर्स के सेक्टर से और वो नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। यही चीज नेदरलैंड्स में देखने को मिली और कई और देशों में भी देखने को मिली। ऊपर से माइनिंग का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिन जॉब्स में स्किल की ज्यादा जरूरत नहीं होती, नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं होती। जो लोग माइनिंग का काम कर रहे होते हैं उन्हें ज्यादा एजुकेटेड नहीं होना होता। तो अगर ज्यादा जॉब्स ऐसे सेक्टर में शिफ्ट होंगी तो लोगों की स्किल डेवलपमेंट पर और नॉलेज पर भी इससे असर पड़ेगा और देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब गल्फ देशों का एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने डच डिजीज को बड़ी आसानी से अवॉइड किया क्योंकि उनका कोई और सेक्टर ही नहीं था। लिटरली गल्फ कंट्रीज की कोई इकोनॉमी ही नहीं होती अपनी अगर ऑयल नहीं पाया जाता वहां पर। इन कंट्रीज की करेंसी कितनी भी ज्यादा वैल्यू में बढ़ सकती थी, बाकी और सेक्टर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि और कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रही है कंट्रीज। दूसरा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे जैसी डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पर रिसोर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इन देशों ने डच डिजीज को अवॉइड किया बाकी और सेक्टर्स में बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई करके। नॉर्वे की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो ये देश बड़ा फॉर्चुनेट था कि इस देश की सरकार ने अपने लोगों की एजुकेशन पर पैसा स्पेंड किया, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा स्पेंड किया, लोगों को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ दी और ये सब किया ऑयल की डिस्कवरी होने से पहले। सही सुना आपने, 1969 में ही था कि नॉर्वे में पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर करी गई। तब तक नॉर्वे में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सरकार थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इनके बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिफाइड थी। वेनेजुएला और ईरान जैसे देश इतने फॉर्चुनेट नहीं थे। 1908 में ऑयल पाया गया ईरान में, 1922 में वेनेजुएला में ऑयल पाया गया। इन दोनों देशों में बाकी और सेक्टर्स डेवलप्ड नहीं थे, लोग एजुकेटेड नहीं थे, ऑयल की वजह से सारा पैसा सारा लेबर उस तरफ आकर्षित हुआ और पूरे के पूरे देश सिर्फ एक रिसोर्स के सहारे सर्वाइव करने की सोच रहे थे, पर दोनों देशों में बाकी इकोनॉमी को भारी नुकसान सहना पड़ा। एक और शोर्श और तरीका है डच डिजीज से बचने का जिसका नॉर्वे ने इस्तेमाल किया, नेचुरल रिसोर्सेज से जो आने वाला पैसा है उसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक दो बिलियनेयर्स यहाँ पर अरबपति अमीर हो जा रहे हैं उस तेल के पैसे से। उस तेल के पैसे से हर एक सिटीजन की भलाई हो रही है। ये करने के लिए सबसे आसान तरीका है एक सॉवरन वेल्थ फंड बनाना। जो एक्सेस पैसा कमाया जा रहा है उस नेचुरल रिसोर्स को बेचने से उसे एक फंड में इकट्ठा किया जाए और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में, देश को डेवलप करने में। नॉर्वे का आज के दिन जो वेल्थ फंड है वो $1 trillion से ज्यादा है, दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरन वेल्थ फंड। इस एक्सेस पैसे को एजुकेशन में स्पेंड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड किया जाता है और ये एक लेसन है जिस पर आज के दिन गल्फ कंट्रीज भी बहुत ध्यान दे रही हैं। यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश जो एक समय सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट थे, आज के दिन अपनी इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दुबई आज के दिन एक टूरिज्म हब बन चुका है। आज के दिन दुबई के जीडीपी का 95% पैसा ऑयल बेस्ड नहीं है, नॉन ऑयल है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सिर्फ 30% जीडीपी अब ऑयल और गैस पे डिपेंड करता है। अगर डेवलपिंग देशों की बात करी जाए तो बोट्सवाना देश अफ्रीका में मौजूद इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल है जिन्होंने सक्सेसफुली डच डिजीज को अवॉइड किया, लेकिन इसके नेगेटिव एग्जांपल्स मिलेंगे आपको कॉन्गो और जिम्बाब्वे जैसे देश जहां पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज एक शराब की तरह साबित हुए। लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में कोबाल्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कॉन्गो देश में 74% दुनिया का कोबाल्ट प्रोड्यूस होता है। सिर्फ एक देश में इतना वैल्यूएबल रिसोर्स कॉन्गो चाहता तो बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन आज के दिन कॉन्गो आपको हर लिस्ट में बॉटम पर मिलेगा। 2015 तक कई सारी कॉन्गो में माइंस एक्चुअली में वॉरलॉर्ड्स के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी, इनका माइनिंग माफिया चलता था।
आज के दिन भी माइनिंग बच्चों के द्वारा करी जाती है, चाइल्ड लेबर हर तरफ देखने को मिलता है। इस माइनिंग ने एनवायरनमेंट का भी सत्यानाश कर दिया देश में और इकोनॉमी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। ओवरऑल लेसन यहां पर बड़ा क्लियर है, अगर हमें अपने देश में नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना मिलता है, हमें उस खजाने पर डिपेंडेंट नहीं होना, हमें उस खजाने का इस्तेमाल करना है लोगों की भलाई के लिए और देश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। और इसके साथ ही साथ करप्शन और मिसमैनेजमेंट जैसी चीजों का भी ध्यान रखना है सरकार को, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज जैसी चीजों में करप्शन हुई तो ये देश के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो $1 = 1 रुपी वाला वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।